Hello everyone, I hope you all are fine at your home. So today we are going to read chapter number 3, The Shepherd's Treasure, from your book, A Pact with the Sun, of class 6. So here the chapter is Shepherd's Treasure. Shepherd कौन होता है? Shepherd एक गडरिया होता है और खजाना आपका treasure. तो गडरिये का खजाना. So before starting the chapter, here are 3 points given. So let's check out what is given here. A poor shepherd once lived in Iran. ये जो गरीब गडरिया था, ये कहाँ रहता था? ईरान में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. ये जो गडरिया था, ये क्या था? एक अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन था, जो पढ़ा लिखा नहीं था. ही वॉज वेरी वाइज, बहुत ही काइंड पर्सन था, दयालु था, दूसरों की हमेशा मदद करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज, और राजा ने ये डिसाइड किया कि वो उससे वेश बदल कर मिलेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द स्टोरी. इन अ विलेज, सॉरी, इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था. ही वॉज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसका खुद का एक छोटा सा घर भी नहीं था, एक कॉटेज भी नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू रीड और राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. कभी भी वो स्कूल नहीं गया था, ना उसने कभी लिखा था, ना कभी उसने पढ़ाई की थी, क्योंकि उस दौरान क्या था, बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, भले ही वो गरीब था और अनएजुकेटेड था, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज, बहुत दयालु व्यक्ति था ये गडरिया. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज, वो लोगों के दुख दर्द, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, इन सबको बड़ा ही अच्छे से समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और ये हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता था, दूसरों की मदद करता था, और उन्हें हमेशा ये समझाता था कि हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स विद ग्रेट करेज एंड हाउ टू यूज़ देयर कॉमन सेंस इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसकी एडवाइस के लिए आते थे, उससे सलाह लेने के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, और जल्द ही वो क्या हो गया, बहुत ही फेमस बन गया अपने इस विजडम के कारण. एंड फ्रेंडली नेचर, उसका जो ये फ्रेंडली नेचर था, इसके कारण. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस कंट्री के राजा ने इस बारे में सुना, उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचा. And thought of meeting him disguised as a shepherd and riding on a mule. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. क्या हुआ, राजा ने अपना जो वेश बदला वो किस उसमें बदला, एक शेपर्ड के रूप में बदला, एंड अपने घोड़े पर चल दिया. One day the king came to the cave, और एक दिन वो चलते चलते कहाँ पहुँचा, एक गुफा के पास पहुँचा, where the wise शेपर्ड लिव, जहाँ वो दयालु शेपर्ड गडरिया रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेपर्ड ने देखा कि उसकी तरफ, उसकी गुफा की तरफ कोई ट्रैवलर, कोई यात्री आ रहा है, तो वो तुरंत खड़ा हो गया उसके वेलकम के लिए. He took the tired traveler inside the cave and gave him water to drink and a share of his own meagre meal. वो जब खड़ा हुआ तो उसने देखा, he saw that man is very tired. So he took him inside the cave and gave him some water to drink and share his food with him. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो किंग था वो उस रात वहीं गुफा में ठहरा, एंड ही ग्रेटली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया शेपर्ड के इस बिहेवियर से, और जो उसका कॉन्वर्सेशन था उसके साथ, राजा के साथ शेपर्ड का, वो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ इन अदर 3 पॉइंट्स. द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग. शेपर्ड जो था
वो पहचान चुका था ये और कोई नहीं, ये कौन है, राजा है। द किंग मेड द वाइज शेपर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एंड राजा ने बाद में क्या किया, उस गडरिए को उस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और जो बाकी जो गवर्नर्स थे वो सब इस नए शेपर्ड गवर्नर से जलने लगे थे और उसको क्या कहने लगे, डिसऑनेस्ट, बेईमान कहने लगे थे। So let's check it, what is given here. Though still tired, the king decided to depart the next morning. तो क्या हुआ, अभी भी वो थका हुआ था राजा, लेकिन उसने डिसाइड किया अगली सुबह कि वो वहाँ से चलेगा। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. तो राजा जो जिस भेष बदल कर आए हुए थे उन्होंने शेपर्ड से कहा कि तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने एक पुअर ट्रैवलर के ऊपर दिखाई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे और लंबा जाना है, परमिट मी टू लीव, मुझे आज्ञा दो जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। शेपर्ड ने उस अपने गेस्ट की आंखों में देखा और शेपर्ड ने रिप्लाई दिया, थैंक यू महाराज, आपने मुझे इतना मेरे यहाँ पर आए, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, जो राजा था वो क्या हुआ, बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ और खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड टू पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे उसने क्या कहा, इस मतलब उनको बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है और सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। तो आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने क्या किया, उस हम्बल शेपर्ड को अपने स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, स्मॉल ज़िले का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. भले ही शेपर्ड के पास पावर आ गई थी, एक गौरव आ गया था, एक रुतबा आ गया था, लेकिन उसके बावजूद शेपर्ड अभी भी बहुत ही हम्बल था जैसा वो पहले था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसे इसी कारण से क्या करते थे, उसके इन्हीं व्यवहार के कारण उसको पसंद किया करते थे, प्यार किया करते थे। He was kind and just to one and all. वो हमेशा अगर वो एक के प्रति दयालु है तो वो सभी के प्रति एक जैसा था। His fame as a fair and a wise governor soon spread throughout the country. उसका जो ये नाम था, उसका जो रुतबा था, ये सब क्या होता, बहुत अच्छे से चल रहा था और वो पूरे कंट्री में धीरे धीरे फैलने लगा। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और जो गवर्नर्स थे अदर provinces के, वो उससे बहुत ज़्यादा जलने लगे और उसके बारे में गलत गलत बातें करने लगे राजा के सामने। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. वो राजा से कहने लगे कि ये व्यक्ति बहुत ही बेईमान है और ये लोगों से टैक्स लेके अपने घर में क्या कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है। Why did he always carry with him the added an iron chest? ये हमेशा अपने साथ अपनी आयरन चेस्ट लेकर क्यों घूमता है? उन्होंने अपनी बातों में ये बात भी जोड़ी। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद ये इसमें खजाना लेकर घूमता है जो ये चुपचाप चोरी छिपे क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. राजा से वो उसके बारे में चुगली करने लगे और कहने लगे कि ये तो एक मामूली सा गडरिया है, पता नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कुछ भी कर सकता है। The new governor was called to the palace. और उस shepherd governor को बुलाया गया palace में। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. और
राजा ने आदेश दिया कि हमें वो बताए कि क्यों वो अपने साथ आयरन चेस्ट लेकर घूमता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, और उस चेस्ट आयरन चेस्ट में ना तो गोल्ड था ना ही सिल्वर था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, लेकिन कब तक राजा इग्नोर करता है। टिल व्हेन ही इग्नोर दीज थिंग्स the other provinces saying to the king. So one thing was certain, the king discovered, ek cheez to tay thi jo raja ne discover ki, the new governor did carry an iron chest with him all the time. To raja ne notice kiya ki ha jo naya governor hai wo har waqt apne saath ek iron chest carry karta hai. So one day the new governor was summoned to the palace. To raja ne us naye governor ko महल में बुलाया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर राइड कर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और सबकी किस पर नज़र थी, उस आयरन चेस्ट पर थी जो कहाँ पर रखी हुई थी, कैमल के बैक पर रखी हुई थी, और सबकी नज़रें उसी पर थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत ही गुस्से में थे। ही थंडर्ड, वो चिल्लाए, Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? तो राजा ने उस गवर्नर से कहा कि तुम हर समय इस आयरन चेस्ट को अपने साथ लिए क्यों घूमते हो? क्या है इसमें ऐसा? The governor smiled. वो शेपर्ड मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. तो उसने अपने नौकर से कहा कि उस चेस्ट को अंदर लेकर आए। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. कैसे लोग वहाँ पर जो खड़े हुए थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि शेपर्ड जो है कब उसका भेद खुले और उसको कब यहाँ से महल से निकाल दिया जाए। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. कितनी आश्चर्य वाली बात थी, जब ये राजा के लिए भी आश्चर्य वाली बात थी और जो महल में और कर्टियर्स थे, अदर गवर्नर्स थे, उन सब के लिए, जब उस चेस्ट को खोला गया और देखा देयर इज़ नो गोल्ड नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। क्या देखा उसके अंदर उन्होंने, उन सब ने उस चेस्ट के अंदर क्या देखा, एक कंबल देखा। वॉज ऑल दैट केम आउट, उस चेस्ट में से क्या निकला, सिर्फ एक कंबल निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ उसने, शेपर्ड ने अपने हाथ में उसको पकड़ा। दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, सिर्फ यही मेरा एक खजाना है मास्टर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, और मैं इस खजाने को हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, तो सबने पूछा कि तुम इस मामूली सी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों कैरी करते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ना, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा तुम तो एक गवर्नर हो ना डिस्ट्रिक्ट के, तो तुम ये क्यों अपने साथ कैरी करते हो। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बड़े ही गौरव के साथ शेपर्ड ने जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरी क्या है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी पुरानी दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करती है। इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर कभी भी किसी भी वक्त अगर अभी भी राजा मुझे यहाँ से निकाल दें, तो सिर्फ ये एकमात्र सहारा मेरी ब्लैंकेट है जो मेरे काम आएगी। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा बहुत ही खुश हुए। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, और जो बाकी गवर्नर्स थे वो अपनी इस जेलस वाली भावना पर बड़े ही शर्मिंदगी महसूस करने लगे। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इन डीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और उन सभी गवर्नर्स को ये पता चल चुका था, ये महसूस हो चुका था कि ये जो शेपर्ड है ये बहुत ही हम्बल व्यक्ति है, वाइजेस्ट मैन है इस लैंड पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने तुरंत उसी वक्त उस शेपर्ड को क्या किया, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया।
So I hope you have understood this story. This story is taken from an Iranian folk tale. The story is about the shepherd who is very down to earth. He never feel very proud to whatever he got from the king. He is very down to earth. So we should also always down to earth. We should never forget the things which we faced in our past. We should always obey the things which we have. We should respect our dignity. So these are the questions. You can find the answers also. Bye-bye. Take care. God bless all.